सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही बढ़िया। सो गाइज, सुबह के बज गए हैं 9 और बाबू को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए, तो आप देख लीजिए पहना हुआ है। हाँ जी छोटे सिपाही, सुनाओ सबको पोयम, सिख गाना सुनाओ, सॉन्ग। हाँ, एक बार और सुनाओ। हाँ, नन्ना मुन्ना राही। अच्छा अच्छा अच्छा, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलो, देश की रक्षा हम करेंगे। कौन करेगा देश की रक्षा? हम करेंगे। बोलो, हम करेंगे। बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो मैं रेडी हो गया है देख लीजिए, हमारा ओम और राधे रानी का भक्त है ये। हमारा ओम तो टीका भी लग गया, दिखाना। चलो फहराते जाओ, भारत माता की। गाइज आज बहुत खुश है लड़का, आज लड़का सोल्जर बन के जाओ। सो गाइज, मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और अभी मैंने जस्ट चाय पी है। एंड अगेन टुडे आई अप्लाइड दिस ठाकुर जी इस तिलक। सो गाइज, ये मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। और गाइज, अब मुझे एक इजी तरीका पता चल गया है। पहले ना मैं सांचे से लगाती थी तो उससे मुझे नहीं अच्छा लगता था। अब मैं क्या करती हूँ, जो गोपी चंदन होता है ना, उसको ऐसे हाथ पे घोल के इस वाली फिंगर से ऐसे कर लेना है, ऐसे लेके पूरा यहाँ से सीधा ऐसे लेके जाओ लंबा, फिर नेक्स्ट साफ फिंगर से ऐसे साफ कर दो उसको, तो वो बीच का साफ हो जाता है, साइड साइड का लगा रहता है। फिर थोड़ा सा दोबारा से यहाँ फिंगर पे लेके ऐसे कर लो, तो सिंपल सोबर तरीके से आप लगा सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। और गाइज, बाबू तो डेली लगा के जाता है मेरा ओम, उसे बहुत पसंद है राधा रानी का तिलक। तो जाने से पहले बोलता है मम्मा तिलक लगा दो, मुझे बहुत पसंद है, तो वो लगा के गया हुआ है। और गाइज, आज उसकी मैम बोल रही थी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको सेंड करूँगी, सो डेफिनेटली इफ़ आई विल गेट द वीडियोज़ सो आई विल शो इन दिस व्लॉग। और गाइज, मेरा गला नहीं हो रहा है सही, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या करूँ मैं गला सही करने के लिए। गला बैठ चुका है बेकार तरीके से। एंड गाइज, बस अब ट्यूशन की तैयारी हो रही है, अब एक बच्चे को ट्यूशन देना है, वो आने वाला होगा। और गाइज, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज फर्स्ट, मतलब बाबू जब से बड़ा हुआ है उसका फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आज एक सोल्जर बन के गया है और सॉन्ग भी सीख के गया है, वो मैं ब्लॉग में आपको पहले ही दिखा दूँगी। सो गाइज़, अच्छा है, बच्चों को ये सब चीज़ें हमें करानी चाहिए, हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ऐसा करो ऐसा। अब उसने बोला मम्मा मुझे सोल्जर बहुत पसंद है, तो हमने उसे पहले सोल्जर की ड्रेस ला के दे दी थी। अब मैंने उसे बोला अब आप अच्छी पढ़ाई करोगे बेटा तो तभी तो आप बन पाओगे ना। कह रहा हाँ मम्मा मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, मैं देश की सेवा करूँगा। पता नहीं गाइज़, बचपन से ही उसको गन्स का शौक़ है, पुलिस का, और सोल्जर्स को देख के पागल हो जाना। हो सकता है पिछले जन्म में ये शायद सोल्जर ही रहा हो, तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें। तो इसी वजह से गाइज़, मैम भी बहुत खुश हो रही थी देख के, कह रही मैम आपने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है। तो मैंने कहा कि इसी ने खुद ही मैंने का ऑर्डर करवाई थी ड्रेस। और गाइज़, कार्तिक भी गया हुआ है स्कूल। कार्तिक को भी मैंने बहुत एक्टिविटीज़ करवाई हैं जब ये छोटा था गाइज़, जब ये पेटल्स स्कूल में था ना, तो बहुत एक्टिविटीज़ करवाई हैं गाइज़ मैंने भी इसको। तो अच्छा लगता है गाइस, बच्चों को ये सब चीज़ें हमें करानी चाहिए। एक्चुअली आज मेरा टाइम नहीं मुझे मिल पाया, नहीं तो मैं सोच रही थी उसे कुछ लंच बॉक्स में ट्राई कलर बना के दूंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टुमारो, क्योंकि कल छुट्टी है, तो मैं कल आपको कुछ रेसिपी दिखाऊंगी ट्राई कलर की। और गाइस, मेरे तो फास्ट चल रहे हैं एज़ यूजुअल, आपको पता ही है मेरा महीने भर का फास्ट है, तो मुझे शाम को ही खाना होता है, एक ही टाइम खाना। तो अभी मैंने थोड़े से मखाने चाय खा लिया, पीली चाय आज मैं बंगालियों की तरह बोल दी, चाय खा लिया। बंगालीज बोलते हैं तुम्हें चाय खाबो बोलते हैं, वो पीना नहीं बोलते, खाबो। तो वही मैंने बोल दिया कि मैंने चाय खा लिया। अब चलते हैं गाइस, घर के काम निपटाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्लॉग। ये तो ड्रेस बड़ी अच्छी है आपकी। ओ मूवी आ गया भाई। पापा
सो गाइस शाम का व्रत खुल गया है और खीर और अगेन हम लोगों ने पराठा आज खाया क्योंकि आज सोमवार था, नमक हम लोगों को लेना नहीं था। सो गाइस आज के ब्लॉग में आपको सारा ब्लॉग दिखाएंगे कैसे सेलिब्रेशन हुआ छुटकू के यहाँ पर प्ले स्कूल में। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक दीजिए आप, बहुत ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय।